हे गाइस वेलकम बैक टू द फाइनली गाइस गेम के अंदर आ चुके हैं न्यू इवेंट। जैसे आप लोग देख सकते हो इवोल्यूशन नाम से एक इवेंट आ चुका है जिसके अंदर आप लोग अपने जो इवोगन्स होते हैं ना उसको यहाँ पे मैक्स लेवल कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो डायमंड से। तो यहाँ पे आज हम लोग गाइस इस वाले इवेंट के अंदर स्पिन करने वाले हैं, देखते हैं कितने स्पिन में क्या निकालते हैं। एंड आपके लिए कोई ट्रिक है तो क्या ट्रिक है, कैसे आपको करना है एंड बाकी कितने डायमंड लग सकते हैं, कितने डायमंड में आपका मैक्स लेवल होगा, जितने भी कुछ रहेगा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो जरूर गाइस वीडियो को देखते रहना, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर ब्रेक करेंगे उसको तो पीछे गए ना। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस इवेंट के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट वाले पेज के अंदर आ जाने, उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको इवोल्यूशन नाम से इवेंट मिलेगा, इसके अंदर आप लोग जा सकते हो वैसे करके, या फिर तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करना। यहाँ पे इस साइड में जो बैनर आता है ना इवेंट्स का, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इवेंट्स का पेज आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको इवोल्यूशन नाम से इवेंट मिल जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे दिखा रहे, तो चलो हम लोग ऑप्टेन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे ही जाओगे, यहाँ पे आप लोग इवेंट का पेज के अंदर आ जाओगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत से इवोगन्स शो कर रहे हैं, लेकिन आपका वहाँ पे डिफरेंट शो कर सकते क्योंकि आपके पास जो भी इवोगन्स रहेगा ना वही यहाँ पे आपका शो करेगा, मतलब वही यहाँ पे अनलॉक रहेगा एंड उसको आप लोग यहाँ पे स्पिन कर सकते हो। बाकी जो आपके पास नहीं है, जो इवोगन्स आपके पास नहीं है वो यहाँ पे ऐसे क्योंकि लॉक दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ गन्स मेरा भी यहाँ पे लॉक दिखा रहे हैं, मतलब ये सब गन मेरे पास नहीं है। तो आपके पास भी अगर जो गन नहीं होगा वो यहाँ पे लॉक दिखाएगा, बाकी जो गन आपके पास होगा वो यहाँ पे आपके ऊपर में आ जाएगा एंड जो मैक्स लेवल का रहेगा वो यहाँ पे स्पिन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखा भी रहेगा जैसे आप लोग देख सकते हो योर गन हैज रेज्ड मैक्स लेवल, तो ऐसे आपको लिखा मिलेगा। तो जो मैक्स लेवल रहेगा वहाँ पे तो आप लोग स्पिन नहीं कर सकते हो, बाकी जिसको स्पिन करना चाहिए मतलब जो मैक्स लेवल का नहीं रहेगा उस पर आप लोग स्पिन कर सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल ऐसे तीन गन है जिसको मैं यहाँ पे मैक्स लेवल का कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब कम लेवल का गन है। अच्छा, तो इनको यहाँ पे मैं स्पिन करूंगा, बाकी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे रिवार्ड्स मिलेगा जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्पिन करते हो ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 25 डायमंड देना पड़ेगा एक स्पिन पर, और इसके बाद अगर आप लोग 10 स्पिन करोगे तो आपके पे 225 डायमंड देना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्पिन का 10 स्पिन का प्राइस है, बाकी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे रिवार्ड्स मिलेगा। आप लोग यहाँ पे जैसे रिवार्ड्स पे क्लिक करोगे तो जैसे देख सकते हो अगर आपको ये वाला चीज मिलता है ना, मतलब जो गन है ना जो यहाँ पे आपको ग्रैंड प्राइस है ये अगर मिलता है तो आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, एक लेवल से अपग्रेड होगा। अगर आपका गन 5 लेवल का है तो यहाँ पे 6 लेवल का हो जाएगा एंड ऐसे करके जितनी बार आपका ये वाला गन मिलेगा उतना बार आपका यहाँ पे लेवल अपग्रेड होता जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे फालतू का रिवार्ड्स है जैसे आप लोग देख सकते हो, बेकार है भैया ये सब कुछ रिवार्ड्स है। तो चलो हम लोग अब स्पिन करते हैं, स्पिन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना डायमंड लगता है, बाकी किस तरह से क्या मिलते हैं एंड सबसे पहले हम लोग ट्रिक यूज करेंगे जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैश करने का, तो आप लोग क्लियर कैश पर क्लिक करना एंड इसको आपको भी करना है, मतलब अगर आप लोग स्पिन कर रहे हो तो जाके इस चीज़ को कर लेना, थोड़ा बहुत चांस आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलो कन्फर्म कर दे एंड ऐसे करके आपको दो तीन बार करना है, मतलब दो तीन बार ऐसे क्लियर कैश करें, उसके बाद आपको कैरेक्टर वाला सेक्शन में जाना है, फिर आपको ऐसे कैरेक्टर लेने जिसको लेके आप लोग नहीं करते हो। तो मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे हमारा फ्रॉड कैरेक्टर इसको ले लेता हूँ, या फिर तो यहाँ पे हमारा प्रीमिस कैरेक्टर कहा गया तो हम लोग प्रीमिस कैरेक्टर लेते हैं, हमारा एडम कैरेक्टर लेते हैं। तो चलो इसको इक्विप करते हैं और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इवेंट वाला सेक्शन के अंदर एंड यहाँ से जाके आपको इस वाले इवेंट के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जाके स्पिन करते, तो सबसे पहले ऑन स्पिन करके देखते एंड इसके बाद 10 स्पिन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑन स्पिन का 25 डायमंड लग गया एंड अभी देखते क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिला यहाँ पे देख सकते हो सामान्य ड्रॉप, तो इसको ओके करते उसके बाद दोबारा से ऑन स्पिन करते एंड देखते क्या मिलेगा। तो इस बार यहाँ पे क्या मिला है देख सकते हो, मुझे कुछ बैकपैक मिला इसको भी ओके करते। तो अभी गए चलो 10 स्पिन करते हैं, MP40 को छोड़ के यहाँ पे हम लोग एके पे आ जाते, एके पे हम लोग स्पिन करते। तो यहाँ पे 10 स्पिन करते, यहाँ पे देखते क्या मिलेगा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे स्पिन हो रहा है एंड यहाँ पे मुझे मिल चुके कुछ रिवार्ड्स जैसे आप लोग देख सकते हो, तो सारे फालतू का रिवार्ड्स ही मिला है, इसको ओके करते। उसके बाद हम लोग फिर से एक स्पिन करते तो देखते क्या मिलेगा। तो एक स्पिन मैंने किया एंड मुझे यहाँ पे मिल चुके कुछ फोन पर, उसके बाद दोबारा से 10 स्पिन करते तो देखते क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, क्या मिला है कुछ फालतू का रिवार्ड सारे के सारे देख सकते हो, कुछ यहाँ पे लूटर्स वगैरह मिले। तो चलो इसको ओके करते और दोबारा से ओके करते, उसके बाद यहाँ पे फिर से स्पिन करते 10 स्पिन मतलब 225 डायमंड का स्पिन, तो देखते क्या मिलेगा। तो दोबारा से यहाँ पे कुछ फालतू का रिवार्ड्स मिले मतलब लूट आउट मिले, तो ये सब लूट आउट आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे दोबारा से हम लोग करते एंड देखते क्या मिलेगा। तो स्पिन हो रहा है एंड यहाँ पे सारे के सारे लूट आउट ही मिले, तो ओके करते उसके बाद स्पिन अगेन पे क्लिक करते, स्पिन करते एंड देखते क्या मिलेगा। तो डायमंड तो यार बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आपके पास, अगर बहुत ज़्यादा डायमंड है तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली स्पिन कर सकते हो, आपका यहाँ पे इवोगन्स को अपग्रेड कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा डायमंड नहीं है तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो स्पिन आप लोग कर ही सकते हो यहाँ पे ट्रिक लगा के, अगर आपको मिल जाता है बहुत सही है, नहीं मिलता है तो आप लोग छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्पिन कर रहे हैं एंड देख सकते हो भाई नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा डायमंड जा रहे हैं। तो चलो दोबारा से स्पिन करते एंड अभी 10 स्पिन करते, भाई एक भी लेवल अपग्रेड नहीं हो मेरा यहाँ पे गन का, यहाँ पे 5 लेवल पे सॉरी मेरा जो गन है 4 लेवल का एंड मेरा गन अगर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मतलब
जो AK-47 वो मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा गन चला जाएगा 5 लेवल पे, मतलब यहाँ पे लेवल 4 से लेवल 5 पे जाएगा। उसके बाद दोबारा से मुझे अगर ग्रैंड प्राइस मिलेगा तो दोबारा से लेवल 6 पे जाएगा, तो ऐसे करके एक एक लेवल इंक्रीज होगा। तो चलो स्पिन करते, 25 डायमंड का स्पिन है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो फिर से बाउंड्री टोकन, यहाँ पे 10 स्पिन करते हैं 225 डायमंड का, और देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे लूट आउट मिल रहे हैं। 2000 years later. तो फिर से हम लोग गाइस स्पिन करते हैं, एंड यार मेरा बहुत ज़्यादा डायमंड जा चुके, तो यहाँ पे चलो स्पिन करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिला, तो यहाँ पे गाइस फाइनली मुझे एक यहाँ पे लेवल मिल चुका है, तो लेवल 5 का मेरा यहाँ पे गन हो चुका है। तो चलो ओके करते हैं। तो फाइनली मेरा जो गन है ना, यहाँ पे 4 लेवल से 5 लेवल का हो चुका है, एंड अभी अगर मुझे मिलेगा ना तो यहाँ पे लेवल 5 से लेवल 6 में चला जाएगा। तो फाइनली एक लेवल तो मुझे मिल चुका है, लेकिन यार डायमंड भी बहुत ज़्यादा चला गया। तो चलो फिर से स्पिन करेंगे, 10 ही स्पिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मुझे लूट आउट मिला, बहुत सारे लूट आउट मिला, फिर से हम लोग स्पिन करेंगे एंड देखते क्या मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से हमें लूट आउट मिला, इसको स्किप करते, उसके बाद फिर से स्पिन करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। तो थोड़ा सा भाई स्किप कर लेते इसको, तो यहाँ पे फिर से लूट आउट, बहुत सारे लूट आउट मिलेगा एंड बहुत सारे डायमंड भी जाएगा। तो डायमंड यार बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो डेफिनेटली आप लोग स्पिन कर सकते हो। बाकी चलो हम लोग स्पिन करते रहते हैं एंड देखते हैं कितना डायमंड लग सकता है। यहाँ पे एनिमेशन को स्किप कर लेते हैं यार, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस फिर से हमें यहाँ पे लूट आउट मिला है एंड फिर से हमें लूट आउट मिला है एंड यहाँ पे फिर से हमें लूट आउट मिला है एंड यहाँ पे फिर से हमें लूट आउट मिला है। भाई बहुत सारे लूट आउट मिल रहे हैं, मेरा देख सकते हो डायमंड कितने से कितने हो चुके। तो बस एक ही लेवल मुझे करना है, उसके बाद और लेवल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लूट आउट, और उसके बाद फिर से लूट आउट, और उसके बाद फिर से लूट आउट, और उसके बाद फिर से लूट आउट। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे, पीछा छोड़ दे। एंड इसके बाद फिर से लूट आउट, एंड उसके बाद फिर से लूट आउट, एंड उसके बाद फिर से लूट आउट, सॉरी मतलब गन मिल चुके। तो यहाँ पे गन मुझे मिल चुका था, जैसे आप लोग देख सकते हो लेवल यहाँ पे 6 का हो चुका है। मैक्स लेवल का नहीं करते, लेवल 6 पे रहने देते। बहुत सारे डायमंड मेरा जा चुके, लगभग 7,000 से 8,000 डायमंड मेरा जा चुके। तो छोड़ो इसको, एंड अभी इस वीडियो के अंदर इतना था, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप आपको स्पिन करना है एंड किस तरह से मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिलेगा चांस है, कितना ज़्यादा डायमंड आपको जा सकते हैं। तो बस इतना था वीडियो, अगर आपको स्पिन करना चाहिए स्पिन कर सकते हो। तो इतना था वीडियो, वीडियो पसंद होगा इस वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन को इसको दबाकर फिर करना। और अभी गाइस आपका स्क्रीन के ऊपर और एक वीडियो रहेगा, आप लोग उसको जगह देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाकर देख लेना। तो वे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।